हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा तबीयत ख़राब होने के कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं दोस्तों। पर आज से अभी से वीडियो आपको आना शुरू हो जाएंगे, आप डेली वीडियो देख पाएंगे अभी से। तो देखिए, अब हमारा तबीयत भी ठीक हो चुका है। अब देखिए, अब एलईडी बल्ब को हम रिपेयर करेंगे। ये है दोस्तों हमारा एलईडी बल्ब, जो हमारा बजाज कंपनी का है एलईडी बल्ब। आपको जूम करा के दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ये है हमारा बजाज कंपनी का, ये है आपका 18 वाट का एलईडी बल्ब है हमारा। तो इस देखिए, इतने पुराने एलईडी बल्ब को भी रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देख सकते हैं इस तरह का, ये जो हमारा 2019 में इसका खरीदी हुआ था, जो कि कस्टमर ने ख़रीदा था और 1 साल गारंटी मिला था, तो इससे भी आपका ये ख़त्म हो चुका है। अब ये 2023 चल चुका है। देखिए, 2019 का बल्ब है ये ख़रीदा हुआ। तो देखिए, इस बल्ब को सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको कि चेक करके दिखाते हैं सबसे पहले कि इसमें किस तरह का प्रॉब्लम है। तो देखिए, प्रॉब्लम को किस तरह से चेक करने के लिए, सबसे पहले इस तरह का हमारे पास एक होल्डर है, आप भी ले लीजिएगा इस तरह का होल्डर। तो देखिए, इस तरह का जो होल्डर में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक कर लेना है कि इसमें आपका करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपको इसमें चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए, इस तरह से पहले आपको एलईडी बल्ब को इस तरह से लगा के आपको चेक कर लेना है। तो देखिए, इसी में हम लगा रहे हैं। देखिए, ये हमारा पूरा लग चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। फिर भी इसमें किसी भी तरह का कुछ भी नहीं जल रहा है, देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए, अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए, इसी में है करंट अभी भी। तो इसको निकाल के दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें फॉल्ट है। तो देखिए, इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने किसी भी हार्ड वर्क होता है उसको करके दिखाया है। हार्ड से हार्ड सिलिकॉन लगा होता है, उसको भी आप निकाल सकते हैं इसको मार के। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वोल्टेज चेक करने के लिए देख सकते हैं इस तरह से है। इसमें हम जूम डाउन करते हैं ताकि आपको दिखाई दे सके। तो देखिए, इस तरह से इसको लगाना है। तो देखिए, 18 वाट का MCPCB इसमें लगा हुआ है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर है हमारे पास, तो इसमें से हमें सबसे पहले इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए, 200 के रेंज में हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद में इसके प्लस माइनस आउटपुट पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज हमारे इसमें आउटपुट हो रहा है। तो देखिए, मीटर की तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं अपना इधर चेक कर रहा हूँ। तो देखिए, ये है हमारा प्लस, ये है हमारा माइनस। तो देखिए, माइनस प्लस में जैसे ही लगाता हूँ तो देखिए इसमें क्या शो करता है। तो देखिए, इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं, इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं इस तरह से, ये बिल्कुल डेड है। तो डेड कंडीशन में होने के बाद में आपको क्या करना है, इसको आपको सबसे पहले इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद में इसको क्या करना है, इसको वायर को डिसोल्डिंग कर लेना है, ये वायर को। देखिए, इस तरह से इसका वायर को डिसोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद में आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं। तो देखिए, इस तरह से इसका वायर को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ, देख सकते हैं। और इसको इस तरह से यहाँ पे कुछ नुकीली से कुछ इसमें रख के इस तरह से करके इसको ओपन कर लेना है। देखिए, ये हार्ड सिलिकॉन लगा हुआ है, इसलिए ये छूट नहीं रहा इसमें से। तो देखिए, परेशानी यही हो जाता है कि इसको ओपन करने में भी तकलीफ़ हो जाता है। तो देख सकते हैं, ऐसा ही आपको ओपन कर लेना है। देखिए, इसका हाउसिंग कितना बड़ा है, देख सकते हैं। और ये जो आपका सिलिकॉन लगा हुआ है, ये अब किसी काम का नहीं रहेगा ये। तो देख सकते हैं, ऐसा है। तो देखिए, इसका सर्किट को हम निकालने के लिए इसका टर्मिनल को हमें गलाना पड़ेगा। देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सर्किट लगा हुआ है। देखिए, एक आध बार भी ये रिपेयर नहीं हुआ है, ये फर्स्ट मैंने खोला हूँ और ये वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूँ मैं। देखते हैं इसके अंदर में क्या फॉल्ट है, ये रिपेयर हो पाता है या नहीं, ये खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए, इस तरह से करने के बाद में ये आपने आप निकल जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए, निकलने के बाद में देखिए, इसका हाउसिंग को इस साइड में करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका फॉल्ट हुआ है। तो देखिए, इस सर्किट में देखिए, सबसे पहले हमें स्कैन करना है
अपने आँखों से, कोई मशीन से नहीं दोस्तों, आँखों से स्कैन करना है। देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट अगर फूला हुआ है, ख़राब हुआ है, उसको सबसे पहले हमें नज़र घुमाना पड़ेगा। देख सकते हैं ऐसा, तो इसका जो सर्किट में देख सकते हैं किसी तरह का फॉल्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है फिजिकली, देख सकते हैं। पर इसमें एक हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें एक थोड़ा सा ये कटा हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं। और किसी भी इसका कैपेसिटर भी हमें कोई ख़राबी नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा ख़राब है या सही है। तो देखिए हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में सेट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको चेक करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसका फॉल्ट है। अगर सही होगा तो सही बताएगा, ख़राब होगा तो ख़राब बताएगा। तो देखिए सबसे पहले इस फ्यूज को हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा इन होता है एसी कनेक्शन इस फ्यूज के माध्यम से। तो देखिए इस फ्यूज को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ एक टर्मिनल है और यहाँ पे एक टर्मिनल है। तो देखिए इस टर्मिनल को देखिए, किसी भी रेड प्रोप किसी तरह से ब्लैक ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी प्रोप को किसी में भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर सही होगा तो कुछ रीडिंग शो करेगा या कंटिन्यूटी आएगा। तो देखिए इसमें कंटिन्यूटी वाला रेंज में हमने सेट किया हुआ है मल्टीमीटर को, देख सकते हैं। और इसमें जब हम लगाते हैं तो देख सकते हैं ये हमारा पहला ही फॉल्ट हमें मिल चुका है। ये हमारा देख सकते हैं ये फ्यूज हमारा, इसमें किसी भी तरह का कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। और दूसरा वाला फ्यूज को देखते हैं कि क्या ये हमारा सही हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं ये हमारा दूसरा वाला फ्यूज जो है, ये हमें सही कंटिन्यूटी हमें दे रहा है, देख सकते हैं 47 के आसपास ये हमारा रीडिंग शो कर रहा है, देख सकते हैं कंटिन्यूटी के साथ में। तो देख सकते हैं इसमें क्या ये हमारा कुछ शॉर्ट तो नहीं है। तो देख सकते हैं ये हमारा इंडक्टर कोयल है, इंडक्टर कोयल आपको शॉर्ट ही इस तरह से दिखाएगा कंटिन्यूटी, तभी जाके आपका ये सही होता है। और देख सकते हैं ये हमारा कैपेसिटर है, ये सारे कैपेसिटर को भी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं इस तरह से इसमें भी रीडिंग आता है और चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस फ्यूज को हम डायरेक्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा इस फ्यूज के बिना भी हम चला सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखिए हम इस MCPCB को चलाने के लिए किस तरह से इसको करते हैं, चेक करने के लिए देखिए हम वही पुराना प्रोसेस यूज करेंगे, नया बल्ब हो या किसी भी बल्ब हो, देख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले इसका MCPCB में इसको कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए ये है हमारा प्लस पॉइंट, तो प्लस पॉइंट को प्लस में हम सोल्डिंग कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए अगर इसका फ्यूज ही अगर ख़राब है इस तरह से, अगर इसका किसी IC में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये हमारा जलना चाहिए 100%। तो देखिए हम इसको चेक करने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा ख़राब हुआ है तो हम इसमें लगाएंगे एक, और देखिए इसका टर्मिनल पे यहाँ पे लगाएंगे हम एक, देख सकते हैं ऐसा। इस फ्यूज का आगे नहीं लगाएंगे, देख सकते हैं कैसा कनेक्शन हमने कर रहा है, डायरेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। तो देखिए इस तरह से कनेक्शन करने के बाद में आपको चेक कर लेना है क्या ये हमारा कनेक्शन में सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए इस तरह से अब इसको हम लगाते हैं, हम बोर्ड में इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है, उसके बाद में ये हमारा जल रहा है, देख सकते हैं इस तरह से, तो शॉर्टिंग है अभी भी। तो क्या करते हैं इसको हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा शॉर्टिंग कौन सा है, किस तरह से शॉर्टिंग हमें हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इस कैपेसिटर को यहाँ से शॉर्ट करना पड़ेगा, अगर चार्जिंग हुआ होगा तो ये हमें शॉर्ट कर जाएगा। तो देखिए इसका MOV को हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा बिना चेक किए हुए भी। सबसे पहले इसका MOV को हम निकाल के चेक करेंगे, तभी जाके हमको पता चलेगा कंफर्म कि ये हमारा MOV ख़राब है, यह हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड भी ख़राब है। अगर ख़राब होता तो थोड़ा सा भी ये लाइन को पास नहीं करता। पर देखिए सबसे पहले क्या है, हम इसको बाहर निकाल के ही चेक करेंगे। जब भी किसी हाई वोल्टेज होता है या किसी भी कारण होता है तो यही हमारा एक फॉल्ट हमें मिलता है, जो कि फ्यूज कटने का कारण एक ही है।
अगर बहुत दिन चलते चलते किसी तरह से फ्यूज कटता है तो अलग बात है, अन्यथा किसी न किसी प्रॉब्लम होता है सर्किट के अंदर में, तभी जाके ये हमारा फ्यूज कटता है। तो देखिए हम इस निकाले हुए इसको पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये कुछ रीडिंग शो करता है। तो देखिए इस तरह से इसको निकालने के बाद में एक पॉइंट को इस तरह से रखना है, इस पॉइंट को, और दूसरा वाला पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए ये हमारा इसमें पूरी तरह से इसमें रीडिंग शो कर रहा है, देख सकते हैं। तो देखिए इसमें पूरी तरह से रीडिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा MOV कभी भी रीडिंग शो नहीं करता है या किसी भी तरह का कंटिन्यूटी शो नहीं करता है, देख सकते हैं। तो इस MOV के जगह में हम दूसरा MOV भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कुछ नहीं है, पर अगला बार जब इसको यूज करेंगे तो देख सकते हैं किसी भी तरह का इसमें रीडिंग नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसमें भी रीडिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं इसका डायोड अगर सही है, इसलिए हमें थोड़ा सा जलने लगा था, पर देख सकते हैं इसको हम फिर से कनेक्शन करते हैं इसी तरह से। तो देखिए इसी तरह से इसको कनेक्शन कर लेते हैं और इसको लगाते हैं। अब की बार लगाते हैं आपको इस होल्डर में, जैसा कि देख सकते हैं इस होल्डर में हमारा करंट है, तो इसी करंट वाला होल्डर में ही हम आपको लगा के दिखाएंगे इसका। इसको देखिए अगर ये आपका हो जाएगा सही तो ये जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, MOV फ्यूज ख़राब है। तो देख सकते हैं ये हमारा जल रहा है, पर एक साइड हमारा ब्लिंकिंग भी कर रहा है, देख सकते हैं इस तरह से ये इसका प्रॉब्लम है। देखिए इसी तरह से इसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। तो क्या होगा, आपका एक SMD LED जब आपका ख़राब होने लगता है तो इसी तरह का आपका ये ब्लिंकिंग करने लगता है। तो देखिए इसमें से किसी एक SMD को हमें चेंज करना पड़ेगा, जो ख़राब है उसी को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। दोस्तों जब भी किसी MCPCB ख़राब हो जाता है तो उसको भी आप नया लगा सकते हैं, पर देखिए जो नहीं हो मिलता है उस कारण में इसको किस तरह से भी ठीक कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का MCPCB मिल जाता है जो कि 9 वोट का, जो कि 9 वोट का इस तरह से MCPCB मिल जाता है। तो इस MCPCB को आप 2 ले लीजिए और उसको आप सीरीज में कनेक्शन कर दीजिए, तो क्या होगा, आपके ये 9 वाट है तो 9 दुनी क्या हो जाएगा, 18 वाट का बन जाएगा। तो इससे भी आप रिपेयर कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं रिपेयर कर लूँगा बाद में थोड़ा सा। इसमें SMD LED अगर ख़राब है, अगर हमारे पास इस तरह का MCPCB नहीं है तो क्या करेंगे हम, इसको किसी तरह से इसका SMD को निकाल के हम चेंज करके लगा देंगे। तो देखिए दोबारा लगाते हैं इस तरह से, तो देख सकते हैं इस तरह से इसका कनेक्शन हो रहा है, इस तरह से इसका ब्लिंकिंग भी जैसा कर रहा है, देख सकते हैं हल्का हल्का ये ब्लिंकिंग मार रहा है, कुछ ही LED, एक ही LED लाइन के ख़राब से इस तरह से हो रहा है, देख सकते हैं। तो अब दोस्तों इस वीडियो में इसी तरह से रिपेयर कर पाएंगे, जो प्रॉब्लम है वो फिजिकली आप कर पाएंगे। किसी भी तरह का हाई वोल्टेज से ख़राब होता है तो आपका फ्यूज जल जाता है, तो आप MOV भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आपका। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, दोस्तों इसमें टिप्स भी ज़रूर मिला होगा आपको कि LED बल्ब किस तरह से रिपेयर करते हैं। तो यही है दोस्तों कि इसमें आपका MOV आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाते हो तो क्या होगा, जब अगली बार अगर आपका हाई वोल्टेज से ख़राब होगा तो क्या होगा, आपका सर्किट ही जल जाएगा। अगर आपके पास में MOV है तो लगा दीजिएगा, और फ्यूज आपका नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक फ्यूज से आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं फ्यूज को, इस वाला को लगा के, किसमें एक फ्यूज ऑलरेडी है इसमें सही, तो इसी तरह से आप रिपेयर कर पाएंगे। इसका SMD अगर नहीं मिलता है तो क्या करना है, आपको 2 SMD इस तरह का भी ले लेना है और लगा के आपको ठीक कर लेना है, इसको 2 ले लेना है और आपको सीरीज में कनेक्शन कर देना है, तो भी ये आपका जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, हमारा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का कॉन्टेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आपको जल्दी मिल जाए दोस्तों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी को दिल से धन्यवाद करते हैं।